हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 52nd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, हाउ इज द साइज of a nucleus experimentally determined and write the relation between the radius and mass number of the nucleus. Show that the density of nucleus is independent of its mass number. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है, हाउ इज द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया था साइज ऑफ द न्यूक्लियस? रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग में, ठीक है, वहां हमने स्टडी किया था। रदरफोर्ड्स ने वहां पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था, अल्फा जो हमारे पास रेज थे उसको स्कैटर हमारे पास उसको हिट कराया था उसने एक गोल्ड फॉइल पे, और जो हमारे पास पर्टिकुलर जब गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स जब स्ट्राइक कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास कर गया था स्ट्रेट, मींस जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक तरह से, वो न्यूक्लियॉन्स एक तरह से, ठीक है, या न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये सब लाइक कंसंट्रेट कर रहे हैं एक सेंटर पे, ठीक है, और वो पार्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट लाइक इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या था, अल्फा पार्टिकल्स को हमने मूव कराया था इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, वो भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसके ऊपर हमारे पास जो भी अल्फा पार्टिकल था, काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्टेड हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब ठीक है, क्योंकि वो वहां पे स्टॉप कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वहां पे, मैक्सिमम, और वो किसके इक्वलेंट है, काइनेटिक एनर्जी के, उन रेशियोज को हमने इक्वल पुट किया था, वहां से हमारे पास एक रिलेशन मिला था, ठीक है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम साइज ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द मास नंबर, और जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ उसमें था जो हमारे पास वॉल्यूम है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मास नंबर, मींस 4π/3R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। यहां से हम एक रिलेशन मिल जाएगा आर इस इक्वल्स टू आर नॉट ए, मतलब मास नंबर रेज टू द पावर 1/3। फिर है शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है जनरली, मास बाय वॉल्यूम, ये वैल्यूज को प्लग करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कैसे इंडिपेंडेंट है टू द मास नंबर। डेंसिटी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए, चाहे ये कोई भी न्यूक्लियस हो, उन सब के लिए जो डेंसिटी होगा हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होगा टू द मास नंबर, ठीक है। इसको हम अभी सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे है हमारे पास द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली determined using
रदरफोर्ड्स, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड यूजिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। यहां से जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका साइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियस एस मास नंबर, ये हमारे पास है आर इक्वल्स टू आर नोट ए रेस टू द पावर 1/3। आर नोट हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू है 1.2 फर्मी, आर नोट एंड दिस इज 1.5 फर्मी, विच इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10^-15 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आर नोट है, इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। अब हमें चेक करना है न्यूक्लियर डेंसिटी, एंड न्यूक्लियर डेंसिटी ये हमारे पास होगा मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और जो हमारे पास एक न्यूक्लियॉन है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, उसका जो मास है वो हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल m। तो जो न्यूक्लियस है उसका मास क्या होगा, मास नंबर इनटू में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन का मास। तो ये हमारे पास हुआ ma, m है हमारे पास एक न्यूक्लियॉन का मास, a हो गया मास नंबर। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस दिस इज 4π/3 एंड आर क्यूब, एंड अभी हमने फाइंड आउट किया कि आर ए के साथ कैसे डिपेंडेंट कर रहा है, आर इज आर नोट ए रेस टू द पावर 1/3। वो वैल्यू यहां पे प्लग करते हैं कि आर इज आर नोट ए रेस टू द पावर 1/3, ये जब वैल्यू यहां पे प्लग करेंगे तो ये हो गया एम ए 4π/3, ये हो गया आर नोट, क्योंकि ठीक है ये हो गया आर नोट क्यूब एन टू ए, ए से ए कैंसल आउट हो गया। ठीक है, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है हमारे पास वो हो गया एक सिंगल न्यूक्लियॉन का मास टू द 4π/3 आर नोट क्यूब। ठीक है, मींस इस इक्वेशन में कहीं भी हमारे पास मास नंबर ए नहीं है। तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ड्रॉ ए प्लॉट, रिप्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। एंड डिफाइन द एक्टिविटी, ऑफ ए सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, राइट इट्स एसआई यूनिट, तो सबसे पहले तो हमें प्लॉट करना है, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और रेडियो एक्टिव डिके में हमारे पास क्या था, एन इस एन नोट ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी, यहां पर एन है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे एन। ठीक है, एन नोट है इनिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट ए पर्टिकुलर टाइम टी नोट, मतलब जो इनिशियल टाइम है उसके ऊपर हमारे पास वैल्यू है एन नोट ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी।
लैम्डा लाइक ये हमारे पास वेवलेंथ नहीं है, ये हमारे पास है डिके कॉन्स्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। मीन्स एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे डिके कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टी हो गया कोई पर्टिकुलर टाइम जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वैल्यू एन है। अब ये इसके लिए हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ, ये हो गया एन, यहां पे टाइम है, ठीक है, तो इसको हम यहां पे प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक यहां पे जब हमारे पास टी जीरो है तो एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर जीरो वन, मींस एन इक्वल्स टू एन नॉट। जब टाइम जीरो है तो एन का वैल्यू हमारे पास एन नॉट है। अब ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी, मतलब टी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लाइक ये जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ ऐसे डिके कर जाएंगे। अब हम इसको चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ, मीन्स टी वन बाई टू टाइम के बाद कितने एलिमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है अनडिकेड, ठीक है, जो डिके नहीं हुए। तो हमारे पास ये हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स रिमेनिंग है ये वैल्यू होगा एन नॉट बाई टू। नेक्स्ट टी हाफ मीन्स की टू टाइम्स ऑफ टी हाफ पे जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है ये वैल्यू होगा एन नॉट बाई फोर, एंड दिस इज एट टू टी हाफ। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री टाइम्स ऑफ टी हाफ और इस पे जो वैल्यूज हैं वो होगा एन नॉट बाई एट, एंड सो ऑन फर्दर ऑन, ये डिक्रीज करता रहेगा हमारे पास। लाइक नेक्स्ट अगर हमें चेक करना फोर टाइम्स ऑफ टी हाफ पे तो ये वैल्यू होगा एन नॉट बाई सिक्सटीन, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, ये कैसे कैसे लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिके करते रहेंगे यहां पे। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी का डिफाइन करना है और उसके एसआई यूनिट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्टिविटी होता है हमारे पास वो होता है माइनस डी एन बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे डिके कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये होता है हमारे पास एक्टिविटी। नेगेटिव साइन मतलब कि ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो इनिशियल एन है तो कुछ टाइम के बाद ये वैल्यू एन नोट है, जो एन नोट है हमारे पास ये वैल्यू एन से कम है, ठीक है, इसलिए यहां पर है एक नेगेटिव साइन। तो यहां पर है द एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेकिंग प्लेस इन द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेकिंग प्लेस इन द रेडियो एक्टिव सैंपल, और लाइक एसआई यूनिट, और हमारे पास इसका जो एसआई यूनिट है वो है बेक्रेल, ये है बी ई सी बेक्रेल, ये इसका एसआई यूनिट है ऑफ द एक्टिविटी। और ये जो बेक्रेल है इसको हम डिफाइन करते हैं माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है। एन है मींस कि डिसइंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस वन बेक्रेल इज इक्वल्स टू वन डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। और लाइक अगर हमें डिफाइन करना हो वन बेक्रेल, दिस इज वन डिसइंटीग्रेशन, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड,
ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ वन बैकरल, इसको भी हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है ये, यूजिंग द कर्व फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यूजिंग द कर्व फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर ए, स्टेट क्लियरली हाउ द रिलीज इन एनर्जी, हाउ द रिलीज इन एनर्जी इन द प्रोसेसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, मीन्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद रिस्पेक्ट टू द मास नंबर, इसके बेसिस पे हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों को हमें बताना है कि यहां पर दोनों रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज कैसे करता है। ठीक है, जनरली क्या होगा, हमारे पास सन है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो फ्यूज कर रहा है, तो मतलब वो क्या हो गया, फ्यूज कर रहा है, मतलब दो लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं टू फॉर्म हीलियम, तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसको हमें एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास कर्व। और उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, हमारे पास यूरेनियम है, उस पर जनरली हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को हिट करवाते हैं, और अब ये हमारे पास जो एक पेरेंट न्यूक्लियाई है यूरेनियम, ये डिसइंटीग्रेट करेगा इन द डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जब डॉटर न्यूक्लियाई में जब डिसइंटीग्रेट करेगा, इस केस में भी हमारे पास बहुत सारा जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, और वो एनर्जी जो रिलीज होगा उसे हमें एक्सप्लेन करना है इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर। तो इसको हम अभी सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास है ये कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर, और जो एक कर्व है ये कर्व कुछ ऐसे है। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो पीक है ये हीलियम के लिए है, ये हीलियम के लिए पीक है, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास है आयन 26, 56, और यहां पर कुछ यूरेनियम है 238। ठीक है, और हमें पता है जो ये जो प्रोन है जो हमारे पास ये, इसमें क्या होता है फ्यूजन, मतलब न्यूक्लियर प्रो, ये हमारे पास है न्यूक्लियर प्रोन टू फ्यूजन, और जो ये स्टार्टिंग में है ये है न्यूक्लियर प्रोन, मतलब न्यूक्लियर रीजन टू फ्यूजन। यहां पर फ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो लाइट न्यूक्लियाइस हैं ये कंबाइन करेंगे और एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, वन एच वन, ठीक है, या फिर हमारे पास हम कंसिडर कर सकते हैं यहां पे है H2, और अगर दो 1H2 अगर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनमें अगर फ्यूजन है तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें हीलियम, और हीलियम कुछ करेगा यहां पे, वो मोस्ट स्टेबल है जब मास नंबर 1, 2
20 है। इसके राउंड्स में पीक्स मिल रहे हैं, लाइक हमारे पास हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये मैंने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन भी किया था, सेम एज इट इज वही फिनोमना यहां भी है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, लाइटर न्यूक्लियाइज लाइक 1H2, 1H1, ये सब जो फ्यूज कर रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये मूव कर रहे हैं लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन टू हाइयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साइड, ये मूव कर रहे हैं। मीन्स इस केस में हमारे पास बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा, सेम एज इट इज न्यूक्लियर फीजन। इस रीजन में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है लाइक न्यूरेनियम के लिए, ये कुछ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है समथिंग ये। अब ये जो वैल्यू है जब ये डिसइंटीग्रेट करेगा लाइटर न्यूक्लियस में, तो जब लाइटर न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट करेगा डॉटर न्यूक्लियस में, तो वो कुछ इस रीजन में लाई करेंगे, और इन रीजन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 7.6 से ज्यादा है, मतलब यूरेनियम के कंपेटिटिव ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज। ये इस पर्टिकुलर केस का आंसर है। मैं थोड़ा सा लाइक राइट डाउन कर देता हूं तुम्हारे लिए, फिर भी एक दो पॉइंट्स इसमें है। द कर्व द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फीजन एंड फ्यूजन। और इसमें हमारे पास है द कर्व टेल्स अस दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन मिडल वन न्यूक्लियाई, विच मीन्स हैवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल देन मिडल वंस। इन न्यूक्लियर फिजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस देर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी। यहां पे सेम वही है, हैवियर न्यूक्लाई लाइक यूरेनियम, उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब लाइक ये डिसइंटीग्रेट करेगा लाइटर न्यूक्लियस में, तो ये मूव करेगा लाइक मिडल रीजन में, और मिडल रीजन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 8 point something, तो ये लाइक मूव कर जाएगा 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगा हमारे पास, सेम एज इट इज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इनटू हैवियर वन चेंजेस फ्रॉम लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियॉन टू हाई वैल्यू एंड हेंस रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ये था हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। सेम एज इट इज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मूव कर रहा है लाइटर, ठीक है, मतलब लो वैल्यूज टू द हाई वैल्यूज, तो इस केस में भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स विच यू कैन ड्रॉ। कैन ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। यहां पे हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन दो न्यूक्लियॉन्स के लिए, हम एक प्लॉट ड्रॉ करना है, और जो ये पर्टिकुलर प्लॉट है इसमें हमारे पास ये होता है, सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स और इन फर्मी, और ये पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो गया आर नोट 0.8 फर्मी। इस केस में जब हम मूव करेंगे 0.8 टू ग्रेटर, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो ये है जो हमारे पास नेचर होगा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अब नेचर होगा वो नेचर होगा हमारे पास अट्रैक्टिव। और जब हम मूव करेंगे आर नोट 0.8 से लाइक वैल्यूज को कम करेंगे लाइक सेपरेशन को, इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीज करेगा और फिर पॉजिटिव वैल्यू हो गया, तो मतलब जो नेचर है अब वो स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव, मतलब जो जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं अब इस केस में ये क्या करेंगे रिपेल। तो ये हो गया हमारे पास रिपल्सिव, ठीक है। और जो हम एक और कंक्लूजन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स है, देखो ये 0.8 फर्मी, मतलब 0.8 इंटू 10^-15। तो हम यहां पे एक पॉइंट ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, सेकंड फर्स्ट हो गया लाइक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर, सेकेंड पॉइंट तुम बता सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। ये कैसे फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो हमने लाइक यहां पे स्टडी किया कि एक पर्टिकुलर दो न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास, ये जो दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं इनमें हमने कुछ सेपरेशन गिवन है आर नोट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन, आर हो गया सेपरेशन बिटवीन दोस टू पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन्स। अब हमारे पास ये कर्व है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन, इस केस में जब 0.8 है तो ये स्टेबल है, बट अगर इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये जो वैल्यू है अब ये अट्रैक्टिव, और अगर डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू रिपल्सिव, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं, थैंक यू।